सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक है ऑल अबाउट दी GNHM। तो मैं GNHM के बारे में थोड़ा ऑल अबाउट से आगे बताने वाला हूँ यार, देखते रहो वॉचिंग गाइस। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट गाइस, वो जो है GNHM का सबसे अच्छा मुझे लगा वो होता है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप गाइस जो होता है, आप जो कोर्स करते रहते हो उसी के ड्यूरिंग आपको एक ट्रेनिंग मिलता है, जिसे ट्रेनिंग इसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो वो ट्रेनिंग आपको, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है बहुत सारे कंट्रीज़ का, लाइक मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई, USA, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ का अपॉर्चुनिटी है जो आप इस कंट्री में आप जाकर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कर सकते हो। तो कोर्स के ड्यूरिंग ही होता है, तो ये इंटर्नशिप का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉलेज में मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज से भी आते रहते हैं, जैसे कुणाल कपूर, संजीव कपूर, ये सब भी आते हैं। बहुत सारे इवेंट होता है और फेस्ट होता है, जैसे आइसिंग कंपटीशन किया गया, आइसिंग कंपटीशन होता है तो ये सब में आते हैं लोग। और इंटरनेशनल एक्सेप्ट कंपटीशन होता है, उसमें भी आते हैं। तो गाइस ये सब इवेंट होते रहता है और सेलिब्रिटीज से, मास्टर से लोग आते हैं। और ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे, इसे इंटर्नशिप बेस्ट है, इंटर्नशिप बहुत अच्छा है इस कॉलेज में। ओके, तो अच्छा लगा मैंने तो वही बता दिया। चलो गाइस, सो गाइस पहले मैं अपना बता देता हूँ इंट्रो में। मेरा नाम है डैनियल एंड लाइफस्टाइल मेरा चैनल है। सो मैं हॉस्पिटलिटी और ट्रेवलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। सो तो अगर पहले बार मेरे चैनल पे आया हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा, इससे कोई मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो कीप वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग एंड बताने जाना हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट दी GNHM के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो GNHM में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस कोर्स का कितना पैसा लगता है और GAT के बारे में, तो दोनों चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लिसन केयरफुली गाइस। सो सबसे पहले अगर हम कोर्स की बात कर सकते हो तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन GNHM। सो फर्स्ट वन है MBA इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस MBA है, MBA आप आफ्टर ग्रेजुएट कर सकते हो, MBA के लिए ग्रेजुएट होना मस्ट है। तो उसके बाद है उसका फी स्ट्रक्चर है 3,35,000, मतलब 3,35,000। ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट द बैचलर डिग्री कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज। तो बैचलर में है BHMCT है, 4 ईयर का है, उसके बाद BSc है और BA इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट है ये है। उसके बाद ये बैचलर हो गया। तो ये सर तीनों जो कोर्स है बैचलर उसका हो जाएगा 4,25,000 इसका फ़ी है, सेमेस्टर फ़ी ओनली है। और आगे कुछ अगर एग्जाम उग्जाम फी लगता है तो वो अलग लगेगा आपका। सो नाउ वी टॉक अबाउट वन मोर कोर्स एंड डिप्लोमा और होटल एप्रेशन, 1,86,000 उसका फी स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये था ये सब कोर्सेज जो अवेलेबल है, ये सब का फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। नाउ वी टॉक अबाउट द JET। तो JET के बारे में बहुत लोग कमेंट किए कि JET क्वालिफाइड इसमें कैसे हो, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि JET टफ होता है, एग्जाम निकलेगा नहीं निकला तो एडमिशन नहीं होगा। तो डोंट फ्रस्ट्रेट गाइस, इसके बारे में टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये कुछ उतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बेसिक टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, इतना टफ नहीं होता, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं यार। तो ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन कॉलेज से भी दे सकते हो और कैंपस से भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही एग्जाम दो। और इसी प्रिपरेशन के बारे में बताया, अगर बात करें तो प्रिपरेशन आप उसके बुक के बारे में पूछते हैं, बुक कौन सा पढ़े, कैसे प्रिपरेशन होगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज के जाओ, GNIT जो साइट है GNIHM ओके, तो GNIHM जो साइट है कॉलेज का उस पर जाओ और उसके कुछ क्वेश्चन ले सकते हो जो प्रिपरेशन कर सकते हो JET के लिए। और नहीं तो आपके पास कुछ नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तो ऐसे ही कुछ आज नहीं बेसिक एग्ज़ाम रहता है और क्वालिफाइड हो ही जाओगे, क्योंकि 100% मुझे 40% ओनली लाना था, क्वालिफाइड हो ही जाता है सब, उतना इसमें कुछ चाप नहीं। तो इतना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था और कमेंट कर रहे थे बहुत लोग, इसलिए मैंने इसका रिप्लाई किया। और गाइस आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे।
और आप आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। और कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट करो, जो अच्छा टॉपिक तो मैं उससे भी वीडियो बनाऊँगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा चैनल, अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके की वीडियो आप अपडेट्स मिलती रहेगी। चलो गाइस, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके गाइस, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और